Hello everyone, welcome and welcome back to our YouTube channel English Honors Hub. So, आज हम करेंगे Skill Enhancement Course का Finance for Everyone Unit Number 5 Lesson 2 का Part 2. हमने last time किया था इसका Market Value तो कर लिया था. अब हम start करेंगे Market Capitalization से. Market Capitalization Market Value होती है जैसे कि किसी भी company का net worth क्या, उस company का budget क्या है ना, तो उसको हम बोलते हैं मार्केट कैपिटलाइजेशन. और मार्केट कैपिटलाइजेशन के बेस पर ही कोई दूसरी कंपनी किसी एक कंपनी को खरीदती है. आपको सुना होगा कंपनी बी को खरीदती है ना, तो ए कंपनी बी कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन निकालेगी सबसे पहले, फिर वो उस कंपनी को खरीद पाएगी. फिर नेक्स्ट है हमारा डीमैट अकाउंट एंड ट्रेडिंग अकाउंट. डीमैट का मतलब होता है डीमटेरियलाइजेशन. डीमटेरियलाइजेशन का शॉर्ट फॉर्म में नाम निकाला है डीमैट अकाउंट. डीमैट अकाउंट का काम क्या होता है, जितने भी फिजिकल सर्टिफिकेट्स होते हैं जैसे कि शेयर सर्टिफिकेट, म्यूचुअल फंड सर्टिफिकेट एक्सेट्रा, तो ये सब इन्वेस्टर को देने होते हैं. और फिजिकली कोई भी पता नहीं कहाँ कहाँ कितने दूर होते हैं ना, तो फिजिकली बैंक में जाके नहीं दे सकते, इसलिए डीमैट अकाउंट की हेल्प से इसको कन्वर्ट करके इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में बना दिया जाता है. हम देखे जिस तरह से बैंक अकाउंट है वो आपके फंड्स आपके पैसे को संभाल करता है, होल्ड करके रखता है ना, तो उसी तरह से जो डीमैट अकाउंट है, डीमैट अकाउंट आपको जितने सिक्योरिटीज होती है उसको इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में बिल्कुल सेफ रहता है, उसको होल्ड करके रखता है. और डीमैट अकाउंट को ही हम ट्रेडिंग अकाउंट बोलते हैं. पहले अलग अलग लिखा तो इसलिए आप कंफ्यूज मत होना. जितनी भी बैंक सर्विसेज है उसको बैंक मैनेज करते हैं ना, तो उसी तरह से जितने भी डीमैट अकाउंट्स हैं उसको डिपॉजिटरी अकाउंट्स मैनेज करते हैं. पहला है इसमें नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड NSDL, और दूसरा है सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज इंडिया लिमिटेड CDSL. ये दोनों अकाउंट डीमैट अकाउंट की सर्विसेज है. अकाउंट और डीमैट अकाउंट में एक छोटा सा डिफरेंस भी है, जहां पे आपको कोई बैंक रिलेटेड वर्क है तो बैंक में जाकर डायरेक्टली अपना काम कर सकते हो ना, लेकिन डीमैट अकाउंट में ऐसा नहीं होता. डीमैट अकाउंट में आपको एजेंट्स के थ्रू अपने सारे जितने भी काम है वो सारे होंगे, और वो उन एजेंट्स को डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट बोलते हैं, यानी कि DP. नेक्स्ट है हमारा डिलीवरी इंस्ट्रक्शन स्लिप यानी कि DI स्लिप. DI स्लिप का यूज अभी नहीं होते, पहले टाइम में होते थे जब डीमैट अकाउंट नहीं होते थे. क्योंकि DI स्लिप का काम क्या होता है, फिजिकल पेमेंट्स जितने भी सर्टिफिकेट्स होते हैं, शेयर्स होते हैं, वो सब प्रोवाइड करवाना. जैसे कि आप चेकबुक देते हो ना, चेकबुक में आप क्या करते हो, चेकबुक फिल करके देते हो. आजकल तो चेकबुक फिल करना नहीं पड़ता, आप डायरेक्टली पैसे ट्रांसफर कर देते हो, है ना. तो सेम वही चीज है. DI स्लिप में क्या होता है, डीमैट अकाउंट नहीं होते. डीमैट अकाउंट क्या होता है, आप इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट सर्टिफिकेट प्रोवाइड कर सकते हो अपने इन्वेस्टर्स को, है ना. लेकिन डिलीवरी स्लिप में क्या होता है, आप फिजिकली पेमेंट सर्टिफिकेट्स उनको जाके देते थे. और DI स्लिप में आपको सारा इन्फॉर्मेशन भी फिल करनी पड़ती है, आप कौन सा शेयर दे रहे हैं, कितनी अमाउंट के शेयर है, ये सारे आपको जितने भी इन्फॉर्मेशन होते हैं सारे फिल करने पड़ते हैं, जैसे कि आप बैंक के चेकबुक में फिल करते हैं. नेक्स्ट हमारा बिजनेस डेज प्री ओपनिंग सेशन एंड ट्रेडिंग सेशन. बिजनेस डेज क्या होता है, आपको यहीं से पता चल रहा होगा. बिजनेस डेज होते हैं जिस भी डेज पे आपके काम चल रहा है ना. हम जैसे कि ले लो सैटरडे संडे क्या होता है, बैंक हॉलीडे होता है, हॉलीडे होता है, तो जहाँ पे भी दिन, अब क्योंकि ट्रेडिंग अकाउंट की बात हो रही है, ट्रेडिंग सेशन की बात हो रही है, तो ऑफकोर्स बैंक से रिलेटेड होगा. तो जिस पे दिन बैंक हॉलीडे होगा उस दिन आपका बिजनेस डे नहीं चलेगा. जो बाकी का वर्किंग डे है मंडे टू फ्राइडे वो आपका होगा बिजनेस डे. फिर है प्री ओपनिंग सेशन. प्री ओपनिंग सेशन में 9 बजे से लेकर 9:15 तक एक विंडो ओपन होती है, जहाँ पे ऑर्डर कलेक्शन और ऑर्डर मैचिंग पीरियड चलता है. ऑर्डर कलेक्शन पीरियड में क्या होता है, जितने भी परचेस और सेल्स है वो सारे करे जाते हैं स्टॉक्स के, और देखते हैं कि कोई स्टॉक्स मैच कर रही है या फिर कलेक्ट हो रही है, कोई स्टॉक्स में चेंजेस आया है नहीं आया, वो सब इस 15 मिनट के विंडो पीरियड में चलता है. 9:15 से लेकर 3:30 बजे तक लेकर आपके सारे ट्रेडिंग से वो चलते रहते हैं, और उसको बिजनेस डे बोलते हैं. फिर नेक्स्ट है ओपनिंग प्राइस एंड क्लोजिंग प्राइस. इसमें भी आपको नेम से पता चल रहा है. ओपनिंग प्राइस क्या होता है, जब भी आप ट्रेडिंग पीरियड स्टार्ट करते हैं तो डे शुरू होने से पहले उस स्टॉक्स की प्राइस क्या थी, वो होती है ओपनिंग प्राइस,
और क्लोजिंग प्राइस क्या होती है दिन खत्म होते होते उस स्टॉक की प्राइस क्या है, क्योंकि कोई स्टॉक है किसी कोई चीज है उसकी वैल्यू स्टार्टिंग में ओपनिंग टाइम पे 100 रुपए है, लेकिन क्लोजिंग टाइम पे उसकी वैल्यू क्या होती है बढ़ती रहती है, क्योंकि हर कोई बंदा आकर ट्रेड करता रहता है उसमें, तो उसकी वैल्यू बढ़ जाती है 3,000 रुपए, 4,000 रुपए, 5,000 रुपए, है ना, तो उसको हम बोलते हैं क्लोजिंग प्राइस। क्लोजिंग प्राइस है उसको आखिरी के 30 मिनट में निकाला जाता है, जैसे कि ट्रेडिंग डे में कितने बजे से लेकर कितने बजे तक होगा, 9:30 से 3:30 बजे तक, तो ट्रेडिंग 9:30 बजे से लेकर 3 बजे तक चलती है, फिर 3 बजे से लेकर 3:30 बजे तक जो क्लोजिंग प्राइस है उसको कैलकुलेट करके निकाला जाता है। देखो क्लोजिंग प्राइस निकालने का यहाँ पर फॉर्मूला दिया हुआ है, इक्वल्स टू टोटल ट्रेड वैल्यू, ट्रेड वैल्यू क्या है यहाँ पर 3100 अपॉन में टोटल वॉल्यूम, टोटल वॉल्यूम कितनी है 60, अब इसको आप डिवाइड कर दोगे तो आपकी क्लोजिंग प्राइस निकल के आ जाएगी। अब देखिए एक और बात है, ओपनिंग प्राइस क्या होता है, वो प्राइस जहाँ पे फर्स्ट ट्रेड स्टार्ट होता है ना ट्रेडिंग सेशन के दौरान। अब ट्रेडिंग सेशन जब स्टार्ट हो रहा होता है जरूरी नहीं है कि पिछले दिन जब आपने क्लोजिंग प्राइस निकाला था नेक्स्ट डे वही प्राइस हो, क्योंकि इसका पहला रीजन है प्री ओपनिंग सेशन। प्री ओपनिंग सेशन में ऑर्डर्स को कलेक्ट और मैच करे जाते हैं, है ना, तो ऑर्डर्स कलेक्ट और मैच करने के दौरान कोई क्या पता उस शेयर को खरीद ले या कोई खरीद लेता है ना, परचेज कर लेता है, फिर कोई सेल कर लेता है, अब उसके दौरान उसकी वैल्यू बढ़ भी सकती है और गिर भी सकती है। तो इसका नेक्स्ट रीजन है कि जो लास्ट डे था उसमें आपने क्लोजिंग प्राइस निकाल लिया, फिर आप नेक्स्ट डे आ रहे हैं तो उसके बीच में 3:30 बजे से लेकर नेक्स्ट डे मॉर्निंग 9 बजे तक कितने सारे चेंजेस होते हैं इकोनॉमी में, पॉलिटिकल में, है ना, तो हो सकता है किसी ने उसमें ट्रेड करा हो, क्योंकि बाकी कंपनीज तो चालू रहती है और ऑनलाइन ट्रेडिंग होती है तो सबका वाईफाई भी चल रहा होता है, नेट भी चल रहा होता है, तो ट्रेडिंग कोई भी कर सकता है, हो सकता है किसी ने ट्रेड करके उसकी वैल्यू बढ़ा दी हो और उसकी वैल्यू घटा दी हो, कुछ भी हो सकता है, इसलिए प्री ओपनिंग सेशन का होना जरूरी होता है कि आप उसको एक बार कैलकुलेट कर सके, देख सके कि वो मैच कर रही है पिछले दिन से या नहीं कर रही, फिर आप उस वैल्यू से दोबारा ट्रेडिंग स्टार्ट कर दो। फिर नेक्स्ट टॉपिक है हमारा ब्लू चिप स्टॉक एंड डिफेंसिव स्टॉक। ब्लू चिप स्टॉक और डिफेंसिव स्टॉक दोनों सेम होते हैं। ब्लू चिप एक ऐसा टर्म है जिसको कि बोरो किया था कार्ड गेम पोकर से, आपने सुना होगा पोकर एक गेम है, कार्ड गेम है, जहाँ पे जो ब्लू कलर के चिप्स होती है वो उसकी वैल्यू बहुत ज्यादा हाईएस्ट होती है। ब्लू चिप का मतलब होता है एक ऐसी कंपनी जो कि बहुत ज्यादा रेपुटेड है, उसके परफॉर्मेंसेस भी बहुत ज्यादा अच्छी है, क्वालिटी अच्छी है, अर्निंग्स अच्छी है और वो रिलायबल है, और वो कंपनी बहुत अच्छे टाइम तक चलती रहती है, बहुत ज्यादा ग्रो भी करती है, तो बिजनेस वे में उस कंपनी को हम ब्लू चिप कंपनी या ब्लू चिप स्टॉक बोलते हैं। तो इन शॉर्ट आप ऐसे लिख सकते हैं कि ब्लू चिप कंपनीज वो कंपनीज होती है जिनकी नेटवर्थ बहुत ज्यादा हाई होती है और वो बहुत ज्यादा डेवलप्ड कंपनीज होती है, और डिफेंसिव स्टॉक ब्लू चिप स्टॉक भी होते हैं। इसमें क्या होता है, इसमें जितने भी कंपनीज में रिस्क होते हैं वो बहुत ज्यादा कम होते हैं, और अगर उसमें कोई प्रॉफिट होता है तो आपको डिविडेंड भी मिल जाता है, लेकिन एक बात याद रखना रिस्क कम होता है, इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि बिल्कुल रिस्क नहीं होता, अब वैसे कोई कंपनी है ही उसमें रिस्क नहीं होता, बिना रिस्क का कोई कंपनी चल नहीं सकती है ना, तो रिस्क तो होता है लेकिन बहुत ज्यादा कम होता है। लेकिन ब्लू चिप कंपनी से फायदा भी है कि अगर उनको कोई नुकसान हो रहा है, पूरा लॉस में चल रहा है, तो वो अपने शेयर्स को अपनी कंपनीज को बहुत इजीली कवर पे बेच सकते हैं। फिर नेक्स्ट टॉपिक है हमारा बिल मार्केट एंड बेयर मार्केट एंड स्टॉप लॉस। देखिए बुल क्या होता है, बुल एक ऐसा इंसान है जो कि जब भी शेयर ऊपर जाने वाला होता है, बढ़ रहा होता है ना, तो वो शेयर्स को बेच देता है कहीं और, क्योंकि शेयर तो बढ़ रहे हैं, अब शेयर बढ़ते हुए शेयर को बेचेगा तो कहीं और उसको प्रॉफिट होगा, है ना, तो मार्केट प्राइस में या फिर मार्केट के डिक्शनरी में ऐसे इंसान को हम बुल बोलते हैं। और वैसे इसका अपोजिट है बियर। बियर में क्या होता है, बियर वो लोग होते हैं जो मार्केट शेयर के प्राइसेस कम हो रही है, गिर रही है ना, तो जैसे ही शेयर की प्राइस गिरती है वो उस टाइम पे खरीद लेते हैं, क्योंकि
आज शेयर की प्राइस कम हो रही है तो कल को वो शेयर की प्राइस और ज्यादा बढ़ती है, तो इससे क्या होता है उनका प्रॉफिट हो जाता है। तो हम ऐसा को क्या बोलते हैं मार्केट के डिक्शनरी में, शेयर मार्केट के डिक्शनरी में ऐसे लोगों को बियर बोला जाता है। फिर हमारा स्टॉप लॉस, स्टॉप लॉस एक तरह का फीचर है जहाँ जो कि डीमैट अकाउंट इनेबल करती है, जहाँ पे अगर मान लीजिए आपको लॉस हो रहा है तो आप स्टॉप लॉस का फीचर ऑन करेंगे तो क्या होता है आपको इस सर्टेन प्राइस डाल देते हैं कि अगर इससे ज्यादा नीचे गिरा तो उस शेयर को वो बेच दिया जाए। तो वहां पे उस शेयर तक मान लीजिए आपने 80 डाली है, 80 के नीचे अगर कोई शेयर की प्राइस गिरती है तो उसके नीचे उस शेयर को बेच दिया जाता है ना। तो स्टॉप लॉस भी इतना ही होता है, 80 तक कोई भी प्राइस गिरेगा तो गिरेगा, इसके नीचे नहीं गिरेगा, 80 होते ही उस शेयर को बेच दिया जाता है, आपका लॉस नहीं होने देगा ये। नेक्स्ट है हमारा डेरिवेटिव। डेरिवेटिव का मतलब होता है डिराइव, यानी कि कहीं से कुछ चीज लेना है ना। तो इसका एक कॉमन वर्ड है यानी कि फॉर अ गुड रीजन। डेरिवेटिव का मतलब होता है किसी अच्छे रीजन के लिए। अब फाइनेंस के वर्ल्ड में डेरिवेटिव का मतलब एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट है जो कि डिराइव करती है इसकी वैल्यू एक या एक से ज्यादा एसेट्स या फिर रेफरेंस फंड से। कुछ क्राइटेरिया है जिसके बेसिस पे हम डेरिवेटिव्स को डिफरेंशिएट करते हैं, जैसे कि ऑन द नेचर ऑफ ऑब्लिगेशंस, फ्यूचर ऑप्शंस, कॉल पुट एटसेट्रा। हम देखिए किसी भी एसेट के लिए हम डेरिवेटिव का यूज करते हैं तो उसकी वैल्यू कहाँ से आती है, फाइनेंशियल से या फिर कमोडिटी से या फिर बाकी अदर सेक्टर से। हमारा कॉल ऑप्शन एंड पुट ऑप्शन, देखिए सेल और परचेस के टर्म्स में ब्रॉडली दो ऑप्शन यूज होते हैं, सेल या फिर बाय। अब इनके बीच में जो भी कॉल और पुट ऑप्शन के बीच में जो डिफरेंस है उसमें यही है कि जो कॉल ऑप्शन है वो होल्डर को एक ऑप्शन देता है जहां पे उसके पास है राइट टू बाय, यानी कि वो परचेस कर सकता है। वहीं पे जो पुट ऑप्शन है वो होल्डर को ये ऑप्शन देता है कि वो राइट टू सेल करे, उसके पास बेचने का हक है। नेक्स्ट है हमारा होल्डिंग पीरियड। होल्डिंग पीरियड एक ऐसा ड्यूरेशन है जहां पर इन्वेस्टर अपने इन्वेस्टमेंट को होल्ड करके रखता है उसको सेल करने से पहले। इन अदर वर्ड्स मान लीजिए आपने कोई शेयर खरीदे है ना, तो आप वेट कर रहे हैं कि उस शेयर की प्राइस कब बढ़ेगी, और जैसे उस शेयर की प्राइस बढ़ेगी तो आप उसको सेल कर देंगे। तो जब तक आप उसको वेट करके रख रहे हैं, होल्ड करेंगे तब उसकी प्राइस बढ़ेगी और आप उसको बेच देंगे, है ना। तो इस पूरे ड्यूरेशन को बोलते हैं होल्डिंग पीरियड। होल्डिंग पीरियड का ना एक फायदा भी है, वो है टैक्सेशन। डिपेंड करता है कि जितने ज्यादा टाइम तक आप किसी भी इन्वेस्टमेंट को होल्ड करके रखते हैं आपको उतना ही ज्यादा टैक्स कम लगता है। नेक्स्ट है हमारा शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स। कैपिटल गेन क्या होता है? कैपिटल गेन एक ऐसी अर्निंग है जिसको कि आप शेयर से सेल करके गेन कर रहे होते हैं, उसको कैपिटल गेन बोला जाता है। अब कोई भी कैपिटल गेन शॉर्ट टर्म है चाहे लॉन्ग टर्म है वो डिपेंड करता है उसके होल्डिंग पीरियड। अब देखिए अगर आपने कोई शेयर खरीदा है और आप उसको एक साल तक होल्ड करके रखते हैं, है ना, तो उस शेयर के परचेज डेट से लेकर उसके सेल डेट तक आप उसको एक साल से पहले सेल कर देते हैं, यानी 12 महीने से पहले अगर उस शेयर को सेल कर दोगे तो उससे आपको जो भी कैपिटल गेन होगा उसको बोलेंगे शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। और अगर एक साल के बाद आप उस शेयर को सेल कर रहे हैं और उससे जो आपको प्रॉफिट होगा या कैपिटल गेन होगा उसको बोला जाएगा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। आप सबको समझ आई क्या होगा, एक साल के अंदर सेल करेंगे तो वो होगा शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, एक साल के बाद सेल करेंगे तो वो होगा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। तो हमारा ये चैप्टर भी खत्म होता है, इसी के साथ हमारा फाइनेंस फॉर एवरीवन खत्म होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, फिर मिलेंगे सेमेस्टर 3 में। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलो। और एग्जाम के लिए ऑल द बेस्ट। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय।